बहुत ही सम्मान की प्रतीक मेरी माताएं बहने, सभी पत्रकार बंधु, सादगी की प्रतीक जिनको देखते ही लगता है कि शालीनता शब्द किसके लिए बना हो, हमारे श्रद्धेय प्रिय बाबूजी की प्रतिमूर्ति बहन मरगांका जी, आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष हमारे वकील साहब पंडित जी, मंच की आन बान शान हमारे गुलशन खन्ना जी, जिनके बगैर कांगला में मंच अधूरा ही लगता है। सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते ही सादर प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको भी सादर नमन करता हूं। प्यारे बच्चों, आपने जो प्रतियोगिता जीती है उसके लिए मेरा बहुत सारा आपको आशीर्वाद, यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, हमेशा आगे बढ़ते रहो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। हमारे पत्रकार भाई जो चार स्तंभ होते हैं उनमें से एक स्तंभ है, उनके बगैर अधूरा रहता है कुछ भी, कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, समाज हो, उनके बगैर पूरा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में पत्रकार बंधुओं का जो सम्मान है उसको बनाए रखने के लिए मैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि जो भी अच्छाई और सच्चाई है वो सबके सामने उनको रखनी चाहिए ईमानदारी से, ऐसी मैं उनसे आशा रखता हूं। आज जिनके स्मृति में ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं उनको हमेशा बाबूजी बोलता था, मेरी प्रिय बहनें हैं दोनों, उनको पता है कि लगभग बहुत साल हो गए मैं उनके पास इतना बैठा हूं, और वो व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व थे। मुझे कहते हैं ये कोई जरा सी कोई हिचक नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के पास अब तक जो भी मेरी उम्र है मैं बैठा हूं, बोला हूं, बात की है, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व, क्योंकि मैंने देखा है ईमानदारी एक ये होती है जिनको मौका नहीं मिला वो ईमानदार है, बड़ी बात वो है जिनको मौके बहुत मिले हों फिर भी ईमानदार रहे हों, और ये मैंने अपनी नजरों से अपने सामने देखा है कई बार। उनका एक अपना अंदाज था, इस तरह का जीवन जीने का उनका अंदाज जो मैंने देखा बहुत कम लोगों का देखा है। उनका एक अपना जीवन जीने का अलग ही तरीका था, कभी सच्चाई से नहीं डरे, ईमानदारी से पीछे नहीं हटे। जिस वो फील्ड में थे मैंने ये देखा है वहां लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पैसे को नहीं कमाया, पैसे को नहीं देखा, उन्होंने सम्मान कमाया। जहां तक मुझे याद है 25 बार शायद वो अध्यक्ष रहे हैं बार कैराना के, और मैंने देखा कि जज साहब जो होते थे उनका इस तरह सम्मान करते थे, वो शायद उनकी ईमानदारी का सम्मान था। एक बार की मैं आपको घटना बताता हूं जो मेरे सामने की है, कुछ काम था, बाबूजी को मैंने कहा, मैंने कहा इस तरह का काम है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पर्सनल है क्या? अब मैंने उनको यही बोल दिया, मैंने कहा मेरा है, मेरे किसी साथी का काम था। संडे का दिन था, उन्होंने कहा था कि अगर आज मेरी जमानत ना हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बाबूजी और मैं मुजफ्फरनगर चले गए, जज साहब अंदर थे, मैंने कहा चलो बाबूजी के नहीं, ड्राइवर को भेज दो, अंदर जाके बता देंगे कि बाबूजी आए हैं। मैंने सोचा ये तो भाई गड़बड़ होगी, मैं अपने मन में सोचा। अब ड्राइवर गया, जज साहब आए, उन्होंने खिड़की खोली, बाबूजी जब अंदर गए वही जमानत हुई, कोई एक पैसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं तो ऐसे काम के लिए लोग बहुत पैसे भी दे देते हैं। ऐसी बहुत घटनाएं हैं।
ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। और जहां तक मेरी बहनों का प्रश्न है, मैं देख रहा हूं जिस तरीके से वो कर रही हैं, बाबूजी नहीं रहे, उनके बाद भी उन्होंने उनके नाम को जिंदा रखने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती रहती हैं, चाहे वो मंदिर के बहाने हों, चाहे कोई भी हो। इस मंदिर को तो उन्होंने चमका ही दिया। भी जब गुलशन जी पहले बोल देते हैं तो बोलने के लिए कुछ छोड़ते नहीं हैं, इतनी बात गुलशन जी बता देते हैं, सोचना पड़ता है क्या कहें। लेकिन उन्होंने इस मंदिर के लिए भी और जो समाज के लिए कर रही हैं, बच्चों के लिए कर रही हैं, पत्रकारों के लिए किया है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा कदम है। मेरे पास उनके लिए कहने को शब्द ढूंढना पड़ रहा है कि मैं क्या कहूं। ऐसी बेटियां माँ बाप चाहते हैं कि हमारे भी हों, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह हमेशा स्वस्थ रहें, आगे बढ़ती रहे, और उनका ये जो भाई है वो हमेशा उनके साथ है, दिन हो रात हो जैसी भी कोई बात हो, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और वो जरा सा भी दुख ना माने, क्योंकि उनके प्रति सम्मान है यहाँ सभी का, सब जानते हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। बाबूजी जहाँ कहीं होंगे बहुत प्रसन्न होते होंगे, वो देखते होंगे कि मेरी बेटियों ने मेरे नाम के लिए काम किया है और करती रहे। और जिस दिन से एक मंदिर बनाया उनकी स्मृति में, मतलब इस तरह के वो काम कर रहे हैं, कहले में पहली बार हो रहे हैं। मैं बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसे ही बढ़ती रहें, काम करती रहें, हम सब उनके साथ हैं। एक बार और से सबको प्रणाम करते हैं। मैं अपने आने जाने के लिए